हाय फ्रेंड्स, एक्मे कॉमर्स क्लास में वापिस आपका वेलकम स्वागत है। टुडे अगेन वी आर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 6 में जो आने के चांसेस है फ्रॉम द लेसन नंबर 3 डिमांड, राइट। तो वी आर डूइंग टुडे क्वेश्चन नंबर 6 अगेन। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 6 के लिए दो क्वेश्चन कर लिए, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स अलॉन्ग विथ अजम्पशन एक्सेप्शन क्या है। सेकेंड हमने कर लिए व्हाट इज सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई एंड अलॉन्ग विद द एक्सेप्शन, राइट। आज हम वापिस नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, वो है व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये क्वेश्चन भी 6 मार्क्स के लिए आने के चांसेस है। नाउ व्हाट इज डिमांड, तो डिमांड ऑलरेडी आपको पता ही है। इन इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं हम, देखो आंसर हैज टू बी रिटन वेरी सिस्टमैटिकली। क्यों? क्योंकि जब हम बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखते हैं तो व्हाट इज डिमांड के मार्क्स अलग रहेंगे और आपके डिटरमाइनर्स का जो आंसर रहता है उसके मार्क्स का वेटेज है वो अलग रहेगा। तो पहले हमें व्हाट इज डिमांड एक्सप्लेन करना है। वी विल डिवाइड द आंसर इंटू डिफरेंट पार्ट्स। पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर मीनिंग, डेफिनेशन, उसके फीचर्स एंड टाइप्स। ये आपका व्हाट इज डिमांड का आंसर है और फिर हम उसके डिटरमाइनर्स पे जाएंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, व्हाट इज डिमांड। तो हमें पता है कि यूटिलिटी इज द बेस ऑफ डिमांड, है ना। आप कोई चीज की आपके पास यूटिलिटी है, जैसे आप आपकी कॉलेज बैग लेके जा रहे हो तो यू आर डिमांडिंग कॉलेज बैग। क्यों? क्योंकि आपको यूटिलिटी है टू कैरी योर बुक्स। सो यूटिलिटी इज द बेस ऑफ डिमांड एंड दैट इज व्हाई पीपल डिमांड द डिफरेंट थिंग या कंज्यूमर डिमांड द थिंग्स। दैट इज योर इंट्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज मीनिंग, तो मीनिंग में इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज व्हाट इज डिमांड इज अ डिजायर, विश। हमारी जो पास डिमांड क्या होती है वो डिजायर होती है, विश होती है। वी हैव गॉट लॉट ऑफ डिजायर, है ना। जैसे आपको भी डिजायर होगी कि आपको भी बाइक लेनी है, कितने की, जो भाई 5 या 10 लाख की आती है वो। या किसी को डिजायर होगी टू हैव अ ऑडी, या और कोई मोबाइल आईफोन की डिजायर है, तो दैट इज ऑल डिजायर। पर वो डिजायर को कन्वर्ट करना है डिमांड में। तो इन इकोनॉमिक लैंग्वेज डिजायर इज नॉट ओनली द डिमांड। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम बोलते हैं ना भाई डिजायर मीनिंग, व्हाट इज डिमांड, तो भाई डिजायर विश। बट इन इकोनॉमिक्स लैंग्वेज व्हाट इज डिमांड, डिमांड मीनिंग योर डिमांड मीनिंग व्हाट इट इज योर डिजायर। डिजायर के साथ हमें क्या चाहिए, एबिलिटी टू पे। आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, वो पैसे खर्चा करने की आपकी ताकत होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे, राइट। तो इफ आई एम सेइंग कि भाई आई नीड अ से मोबाइल फोन, वो भी कौन सा आईफोन चाहिए, जो लेटेस्ट वाला आईफोन 15, कॉस्ट माइट बी मोर देन 1,50,000 या अराउंड 1,50,000। तो डिजायर तो है, बट उसके साथ क्या चाहिए, मनी चाहिए, पैसे चाहिए, एबिलिटी टू पे चाहिए। एबिलिटी टू पे के साथ मुझे और एक चाहिए, विलिंगनेस टू बाय। विलिंगनेस टू बाय सिंपल सा मीनिंग है। विलिंगनेस टू बाय मतलब क्या, अगर मुझे, इफ आई एम गोइंग टू बाय, से आई वांट वन कार, राइट, कॉस्ट इज 10 लाख, बट अगर वो कार मुझे इमीडिएट चाहिए पोजीशन में, तो क्या होगा, द कार डीलर मे नॉट बी हैविंग दैट कार ऑन अ इमीडिएट पोजीशन में। दे आर रेडी, मतलब दे आर रेडी कि भाई हम लोग आपको 2 महीने के बाद वो कार की डिलीवरी कर देंगे, और ऐसे नहीं भाई मुझे आज क्या चाहिए या कल चाहिए। तो दे सर ओके, भाई एक रीजन है कि भाई एक ऑफर में दे रहा हूं कि भाई आप 10 लाख के बदले 12 लाख दे दो, 2 लाख एक्स्ट्रा गिव, वी कैन डिलीवर बाय टुमारो। सो इफ आई एम रेडी टू पे दैट 2 लाख एक्स्ट्रा, देन ओनली इट इज कंप्लीटेड डिमांड। तो मुझे क्या करना है, अगर वो 2 लाख रुपया मैंने एक्स्ट्रा दिया तो ही वो डिमांड कंप्लीट हो सकती है। मतलब अगर इफ आई से नहीं भाई 2 लाख तो कुछ ज्यादा ही हो गए, आई एम नॉट रेडी टू पे, मतलब आपकी डिमांड कंप्लीट होगी नहीं। क्यों? आपके पास डिजायर है, मतलब कार चाहिए, एबिलिटी टू पे, यू हैव गॉट 10 लाख आपके पास है भी, बट यू आर नॉट विलिंग टू पे एक्स्ट्रा 2 लाख, एंड देन इट इज नॉट अ डिमांड। हाँ, बट इफ यू आर रेडी टू पे देन डिमांड इज कंप्लीट। तो इन इकोनॉमिक टर्म्स डिमांड क्या होते हैं, डिजायर होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे होनी चाहिए, प्लस willingness to buy होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज complete हो रही है तो ही आपकी demand complete होगी, right? So in exam, in economic terms, demand meaning desire, ability to pay plus willingness to buy, and along with that, उसके साथ आप क्या करोगे, एक example ली, तो जैसे मैंने अभी एक बताया कार का example, तो आपका meaning complete हो जाएगा। फिर आप लिखोगे definition, what is definition by Benham, so what Benham has given definition, कि demand for anything at a given price is the amount of it which
विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ अ टाइम एट दैट प्राइस, है ना। बड़ी डेफिनेशन है, क्या है, बट है सिंपल कि डिमांड फॉर एनीथिंग, आप डिमांड करते हो कोई भी चीज का, डिमांड करते हो एट विच प्राइस, गिवन प्राइस। अनदर सिंपल एग्जांपल देते हैं कि जैसे यू आर डिमांडिंग एप्पल, है ना, आप जा रहे हो और एप्पल लेने जा रहे हो, सो यू आर डिमांडिंग एप्पल एट अ व्हाट प्राइस, से 200 रुपीज अ केजी इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट। तो हम 1 केजी एप्पल वी आर बाइंग एट 200 रुपीज ऑफ अ टाइम एट दैट प्राइस। At that price, meaning what? Aaj demand, if I am doing demand for apple, is 200 rupees a kg. But by chance, market mein demand is not there. Matlab market mein jo supply honi chahiye apple ki, it has become less. Aur demand uske karan kya ho gayi? Shayad kam ho gayi. Kyun? Kyunki supply kam hone se jo market mein price of the apple has gone rise, badh gaye. 200 केजी रुपीस के जो एप्पल थे, नाउ इट इज अवेलेबल एट 300 रुपीस पर केजी। तो बट आपके घर पे कोई पेशेंट है जिसके लिए आपको एप्पल लाना ही है, तो आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू बाय। सो व्हाट इज द डिमांड, डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी इज एनीथिंग विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट दैट टाइम एट दैट प्राइस। जो टाइम है उसके हिसाब से आप जो प्राइस पे करोगे, एंड व्हेन यू बाय समथिंग इट इज कॉल्ड डिमांड। इट मीन्स डिमांड इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। जैसे मेरे घर पे कोई पेशेंट है एंड आई नीड टू बाय द एप्पल, तो आई विल नॉट सी के प्राइस क्या है, 200 केजी नहीं भाई, 300 है भाई, आई एम रेडी टू पे, भाई ले ले तू, क्योंकि मुझे एप्पल चाहिए ही चाहिए, रिलेटिव कंसर्न। बट आप है, आपको बोलोगे भाई हमें कि इतनी अर्जेंसी में नहीं है, हमें आई कैन नॉट एफोर्ड 300, हमें नहीं चाहिए, तो आप नहीं लोगे। सो इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, रिलेटेड विद द टाइम एंड प्लेस। तो यहाँ पर डिमांड इज एक्सप्रेस विद टाइम एंड प्लेस या प्राइस। ये रिलेटिव कंसेप्ट में टाइम और प्लेस आता है, रिलेटिव विद द प्लेस। जैसे कोई आप पॉश एरिया में रह रहे हो, कॉलेज रोड है या बॉम्बे का कोई पॉश एरिया है, वहां पर सेम एप्पल हम 300 पे करें, दे माइट बी पेइंग 400, पीपल आर गोइंग टू डिमांड। व्हाई? बिकॉज प्राइस किसके कारण ज्यादा हो रहे, बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्लेस। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डिमांड इज रिलेटिव कंसेप्ट, चेंज विद द प्लेस ऑल्सो, and it is expressed with the time and price. As per the time, the price are changing, and that is why that is called a features of demand. So demand ke do feature hai, mainly relative concept related with the time and place. Place ke hisab se aapki demand change hoti hai, and demand is expressed with what, time and price. As per the time, the price change, and accordingly our demand change. Right? Then आप what is demand में ये two points भी डाल सकते, लिख सकते हो। Types of demand, individual demand, मार्केट डिमांड। व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड, अभी हमने एग्जांपल लिया, व्हेन आई डिमांड एप्पल फॉर माई सेल्फ इज अ इंडिविजुअल डिमांड, बट व्हेन वी डिमांड, व्हेन द डिमांड फॉर एप्पल इज बाय एवरीबॉडी, मतलब मैं भी डिमांड कर रही हूँ, आप सब जो भी ये चैनल देख रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग द डिमांड, डिमांडिंग व्हाट, एप्पल, इट बिकम्स मार्केट डिमांड। सो डिमांड मेड बाय ऑल द इंडिविजुअल्स इन द मार्केट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड, एंड डिमांड मेड बाय इंडिविजुअल पर्सन, जैसे हमने डिमांड किया हमारे खुद के लिए, तो इट्स कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। राइट, आप ये पूरा आंसर लिखोगे व्हाट इज डिमांड। इसके बाद हम जाएंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। सो व्हाट विल बी द मार्किंग स्कीम फॉर दिस आंसर, व्हाट इज डिमांड है, उसके मार्क्स 2 या 3 अप्रोक्सीमेटली हो सकते, इट कैन बी फॉर 2 मार्क्स और इट कैन बी फॉर 3 मार्क्स। अगर ये 2 मार्क्स का है तो आपके डिटरमिनेंट 6 मार्क्स से हो जाएंगे, अगर ये 3 मार्क्स का है तो आपका डिटरमिनेंट्स हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स। सो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड कैन बी ऑफ 5 और 6 मार्क्स डिपेंडिंग अपॉन योर मार्किंग स्कीम। व्हाई मार्किंग स्कीम इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज एज पर द मार्किंग स्कीम वी हैव टू राइट द आंसर, हम आंसर लिखते हैं मार्किंग स्कीम के हिसाब से, इसलिए आपको व्हाट इज डिमांड में ये डिटेल में समझाना इज नेसेसरी, आवश्यक है। ओके, व्हाट इज डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स मीनिंग आपकी डिमांड किस पर डिपेंड है, एंड आप डिमांड करते हो, जैसे हम जाते हैं मार्केट में एंड आप जा रहे हो मार्केट में टू बाय सम गुड टी शर्ट एंड द जीन्स फॉर यू, तो जैसे हम मार्केट में या कोई मॉल में गए तो व्हाट यू विल सी, यू विल सी योर से टी शर्ट एंड योर जीन्स, अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, वेरी ब्रांडेड, वेरी गुड। बट इमीडिएटली हमारा ध्यान किस पर जाएगा, फर्स्ट थिंग जाएगा, बराबर सोचा आपने, क्या है वो, प्राइस, है ना। आप भी बराबर ही सोचो कि फर्स्ट थिंग हमारी जाएगी प्राइस पे। सो व्हाट इज द फर्स्ट डिटरमाइनिंग, तो आपकी डिमांड डिपेंड होती है प्राइस।
एंड व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड जो हमने पढ़ा था वो क्या था, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड. सो जब प्राइस इज बिकमिंग लेस राइट व्हाट वी डिमांड, द डिमांड ऑफ द कॉमोडिटी इज हाई, लोअर द डिमांड हायर द प्राइस, और हायर द प्राइस होगा तो डिमांड विल ऑटोमेटिकली विल बिकम लेस. सो द डिमांड ऑफ द कॉमोडिटी डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी राइट. और फिर आपको ये लिखना है हायर द प्राइस और द डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड विल बिकम लेस. नेक्स्ट इज इनकम. प्राइस के बाद आप देखोगे आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं या आपकी इनकम क्या है राइट. इफ योर इनकम इज हाई योर डिमांड विल बी मोर, इट्स ऑब्वियस सिंपल सा रीजन है. अगर मम्मी या पापा ने आपको घर से बोला बेटा ये 3000 रुपीज लो एंड गो एंड बाय योर ट्राउजर जीन्स या टी शर्ट जो भी लेना है ले लो, आपके पास 3000 रुपीज है और आपको अच्छा लगा वो आपने इमीडिएटली ले लिया. बट अगर किसी के पास खाली 1000 रुपीज है तो ऑब्वियसली हैज टू डिमांड हाउ मच एनीथिंग कॉस्टिंग बिटवीन 1000 रुपीज में आप लोगे. इट मीन्स अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप ज्यादा डिमांड करोगे. इफ योर इनकम इज लेस यू विल डिमांड लेस, शोइंग अ डायरेक्ट रिलेशन राइट. सो हाउ इट इज, इफ योर इनकम इज हाई योर डिमांड विल बी हाई, क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसे आप ज्यादा डिमांड कर सकते हो, कम पैसा होगा तो कम डिमांड करोगे, डायरेक्ट रिलेशन. नाउ नेक्स्ट इज योर, आई विल राइट हियर 5 or 6 marks. ओके नेक्स्ट वाला है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. नाउ व्हाट आर सब्स्टिट्यूट्स, जैसे एक सिंपल सा वे टू रिमेम्बर द सब्स्टिट्यूट का मतलब, आपके घर पे गेस्ट आते हैं राइट, और जब गेस्ट आते हैं तो आप क्या ऑफर करोगे, आप करोगे टी और एल्स कॉफी. अगर वो कॉफी पीते हैं तो कॉफी दोगे, अगर टी पी रहे तो टी ऑफर करोगे. सो टी और कॉफी इज योर सब्स्टिट्यूट्स. नाउ हाउ इज द डिमांड चेंजेस विद द सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट के कारण हमारी डिमांड कैसे चेंज होती है. Suppose if I take price of tea is rising, price of tea बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, what people will do, they will demand coffee की जो demand है वो बढ़ जाएगी, people will buy more coffee. क्यों भाई, अगर आप price of tea, आप एक suppose 20 rupees के एक कप चाय पी रहे हो या टी पी रहे हो, एक कप चाय 20 रुपए की, सडनली प्राइस ऑफ द टी मतलब जो आपकी चाय की प्राइस है वो हो गई 40 रुपीज और आपकी कॉफी मिल रही है 30 रुपीज में, तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आप बोलोगे हम तो कॉफी डिमांड करेंगे क्योंकि कॉफी की प्राइस कम है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. सो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर चेंज भी हो रहा है तो उसके कारण भी आपकी क्या डिमांड होगी, चेंज हो जाएगी. तो पहले लोग कॉफी पी रहे थे, पहले चाय पी रहे थे और अभी क्या पियेंगे, कॉफी, क्योंकि प्राइस ऑफ टी हैज इंक्रीज्ड. सो सब्स्टिट्यूट के कारण भी आपकी डिमांड चेंज हो सकती है. नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. नाउ कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कार एंड पेट्रोल, है ना, बिना पेट्रोल के कार चलती नहीं है, तो अगेन उसके लिए भी आपकी डिमांड चेंज हो सकती है. जैसे पेट्रोल के प्राइस ऑलमोस्ट हमेशा बढ़ते ही रहते हैं, आपको भी पता है पेट्रोल प्राइस इज राइजिंग ओनली. सो अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल इज राइजिंग तो क्या होगा, डिमांड फॉर कार कम हो जाएगी राइट. कार की डिमांड कम, पेट्रोल प्राइस क्या हो गई, ज्यादा. मतलब अगर पेट्रोल के प्राइस ज्यादा हो रहे तो डिमांड फॉर कार विल बिकम लेस, तो अगेन आपकी डिमांड चेंज हो गई बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गए या राइज हो गए. नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर मतलब अगर आपका प्रोडक्ट नेसेसिटी है, नेसेसिटी मतलब मेडिसिन, सॉल्ट, फूड, फ्रूट्स, क्रॉप्स, वो सब नेसेसिटी है. अगर प्राइस ऑफ द नेसेसिटी आर चेंजिंग तो भी हमारी डिमांड नहीं चेंज होने वाली है. सी फॉर एग्जाम्पल एसेंशियल कॉमोडिटी लाइक सॉल्ट, मेडिसिन, मेडिसिन कितनी भी महंगी हो बट वी आर गोइंग टू बाय बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ द लाइफ, है ना, हमारी लाइफ का क्वेश्चन है. तो आपको एसेंशियल कॉमोडिटी अगर रहेगी then people will demand even if the price are changing. But luxurious thing है, luxurious मतलब आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, then bike, car, वो luxurious है, नहीं होने से हमारी लाइफ में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आएगा. हाँ, but necessities जो है
जो भी हमारे फूड क्रॉप्स है जो हम खाते हैं, है ना, ग्रोसरी है हमारी, वो सब नेसेसिटी है, मेडिसिन इज नेसेसरी. इन दैट केस योर डिमांड इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट विद द चेंज इन प्राइस, है ना. महंगा भी होगा तो भी हम खाएंगे, भले कम, लेकिन खाना तो है ही है या लेना तो है ही है. सो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट से भी आपकी डिमांड चेंज हो जाती है. साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑब्वियसली, है ना. इफ योर पॉपुलेशन इज राइजिंग डिमांड विल बी हाई, पॉपुलेशन इज लेस तो डिमांड विल बी लेस. वो तो डायरेक्ट रिलेशन है. अगर ज्यादा पॉपुलेशन है तो डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी, और कम है तो वो कम हो जाएगा. एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस. नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेशन, है ना. जैसे वर्ल्ड कप आने वाला है, तो वर्ल्ड कप में यू नो एवरीबडी लाइक्स टू चीयर इंडिया, है ना. इंडिया को हम चीयर अप करते हैं, क्यों भाई. वर्ल्ड कप में वी नीड के इंडिया शुड विन द वर्ल्ड कप की ट्रॉफी. तो व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि भाई अभी टीवी के प्राइस कम है, पर जब वर्ल्ड कप आएगा तो सबकी डिमांड होगी, तो टीवी के प्राइस विल राइज. तो आप क्या करोगे, यू विल बाय टुडे ओनली, कि भाई चलो बाद में वो टीवी के प्राइस 20 या 30 हजार रुपए ज्यादा हो गए ना, 20 to 30 thousand आप ज्यादा पे करोगे, उससे अच्छा आज ही ले लो. सो इफ द कंज्यूमर इज एक्सपेक्टिंग राइज इन प्राइस इन फ्यूचर, फ्यूचर में आप ज्यादा प्राइस एक्सपेक्ट करते हो, तो व्हाट यू विल डू, यू विल बाय लेस, राइट, वेन इन द फ्यूचर, और आप आज ज्यादा परचेस करोगे. बट अगर उसका रिवर्स उल्टा रहेगा कि सपोज इफ यू एक्सपेक्ट कि भाई फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, तो आप क्या करोगे, आप आज नहीं पे परचेस करोगे. क्यों, भाई फ्यूचर में करोगे कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है. तो डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर प्राइस आपकी डिमांड चेंज होती है. एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इज हैविंग अ लॉट ऑफ इफेक्ट इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर. बहुत सारी चीजें जो हम एडवर्टाइजमेंट देख के ही लेते हैं, जैसे आपका शैम्पू है, सोप है, परफ्यूम्स है, राइट. सो मेनी थिंग्स के बारे में भी आपको पता चलता है थ्रू एडवर्टाइजमेंट. सो विद द राइज इन एडवर्टाइजमेंट द डिमांड फॉर कॉमोडिटी गेट इंक्रीज राइज. सो एडवर्टाइजमेंट इन टूडेज डेट प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हैविंग अ डिमांड. तो एडवर्टाइजमेंट के कारण भी आपकी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है. टेस्ट हैबिट एंड फैशन. अगेन वी आर लिविंग इन मॉडर्न सोसाइटी. मॉडर्न सोसाइटी में वी आर वेरी फैशन कॉन्शियस. फैशन कॉन्शियस मतलब हम फैशन के हिसाब से हम चलते हैं. आप ड्रेस कोड भी, आपका ड्रेसिंग भी स्टाइल होगी वो फैशन के हिसाब से. बहुत बार ऐसा होता है कि हमें हैबिट होती है ना, जो दोस आर वेरी रिच, दे हैव गॉट हैबिट ऑफ वेयरिंग ओनली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, है ना. जो रिच पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट ही पहनते हैं. भाई जीन्स लोगे तो लिवाइस का, भाई आप गॉगल्स लोगे तो क्या होगे, रेबेंस के ही लेंगे. सो एज पर योर हैबिट, फैशन, टेस्ट, क्या होगी, डिमांड विल कीप ऑन चेंजिंग. हैबिटेटेड पीपल होते हैं वो ब्रांडेड चीजें लेंगे, भले वो कितने भी कॉस्टली हो. सो एज पर द फैशन, है ना. अगर आपको कोई ट्रेडिशनल और पुराने स्टाइल का कोई ड्रेसिंग स्टाइल से कोई आपको जीन्स या ट्राउजर लाके दे, तो आप बोले यार यार इट्स नॉट इन फैशन, है ना. आई लाइक टू बी ट्रेंडी, हमें ट्रेंडी फैशनेबल अच्छा लगता है. तो एज पर द फैशन चेंजेस डिमांड गेट्स चेंज. लेवल ऑफ टैक्सेशन. अगर गवर्नमेंट ने ज्यादा टैक्स कर दिया तो हम क्या करेंगे, वी विल डिमांड लेस. क्यों, क्योंकि भाई टैक्सेशन में हमारे ज्यादा पैसे जा रहे हैं, है ना. वी आर पेइंग हाई टैक्स, तो बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट डिमांड कैन बी चेंज इजिली. ये 10 फैक्टर डिटरमाइनर्स के अलावा देर आर अदर फैक्टर्स है जिसके कारण हमारी डिमांड चेंज होती है. क्लाइमेटिक कंडीशन, ऑब्वियसली क्लाइमेट के हिसाब से हमारी डिमांड तो हमेशा चेंज होती ही रहती है. As per suppose in a winter season, we will wear winter clothes. Summer season आ गया, गर्मी के season आ गई, हम cotton clothes prefer करते हैं. So as per the change in season, our demand for the product will get change. Summer season है, आप ज्यादा cold drinks और ice creams और लस्सी पीना पसंद करोगे. But winter season में क्या होगा, आप soup की ज्यादा demand करते हो, क्योंकि you need a hot thing to drink. So as per the climatic season condition, हमारी demand change होती है. चेंज इन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी, वी ऑल आर लिविंग इन द टेक्नो सेवी वर्ल्ड. हम सब कहाँ पर रहते हैं, टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में रहते हैं, है ना. अभी 5G आ गया, तो वी ऑल लाइक टू यूज अ 5G इन अवर मोबाइल फॉर अ फास्ट स्पीड, है ना. स्पीड के लिए हमें 5G यूज करते हैं. एडवर्टाइज भी एयरटेल की आती है कि भाई आप 5G यूज करो. तो जैसे हमने बोल दिया कि एडवर्टाइजमेंट के कारण हमारी डिमांड बढ़ती है. क्यों भाई, एडवर्टाइजमेंट इज अबाउट द वर्ड यूजिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी. तो जैसे न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है मार्केट में, जैसे नया आईफोन आ गया, सबको लगता है भाई हम वो आईफोन ले, तो उसके कारण भी डिमांड चेंज हो जाएगी.
गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी लिबरल है, लिबरल मतलब गवर्नमेंट ने बताया कि भाई हम टैक्स ज्यादा नहीं चार्ज करेंगे, तो क्या होगा, जहां पर कम टैक्स है पीपल विल बाय मोर दैट थिंग। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से भी हमारी डिमांड चेंज होती है। कस्टम एंड ट्रेडिशन, ऑब्वियसली इंडिया इज अ नेशन ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम्स में हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे वी आर द सेलिब्रेटिंग दिवाली, तो दिवाली के जितनी भी तैयारी करनी होती है, जो भी परचेज करना रहता है, दिवाली में स्नैक्स बनाते हैं, लैंप लाते हैं, नए कपड़े लेते हैं, तो अकॉर्डिंगली डिमांड चेंजेस। नवरात्रि है, पीपल वेयर ऑल, एवरीबडी एंजॉयज नवरात्रि एज अ फेस्टिवल, डिमांड चेंजेस। होली के टाइम चेंज होता है, इवन क्रिसमस के टाइम पीपल लाइक एवरीबडी इज एंजॉइंग द क्रिसमस वेकेशन अलॉन्ग विद द क्रिसमस का जो भी हैप्पी न्यू ईयर है वो, तो अकॉर्डिंगली डिमांड चेंजेस। तो एज पर द कस्टम एंड ट्रेडिशन के कारण भी हमारी डिमांड चेंज हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने और उसके एक्सप्लेनेशन आप 3 या 4 सेंटेंस में लिख सकते हो, राइट? व्हाई? क्योंकि आपका वेटेज कितना है आंसर का, 5 to 6 मार्क, तो उसके हिसाब से आपको सारे पॉइंट्स लिख के आप उसका 3 या 4 सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन अच्छे से बता दो विथ एग्जाम्पल, जहां पर भी आपको पॉसिबल लग रहा है, एंड यू कैन राइट योर आंसर। अगर आपने ये परफेक्टली ऐसे आंसर प्रेजेंट करके लिखा है एग्जाम में, तो 8 मार्क्स में से आपको इजीली 7 to 7.5 मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना, जब भी मैं वीडियो हम लोग करते हैं या वीडियो में लेके आती हूँ आपके लिए, वो एग्जैक्टली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एचएससी बोर्ड है। आपकी कॉलेज में भी प्रीलिम्स होती है, आपकी एग्जाम्स होती है, यूनिट टेस्ट या टर्मिनल्स होता है, वहां पर भी आप सेम ट्रेंड फॉलो करोगे। इसलिए हम स्टार्टिंग से ये वाला ट्रेंड अगर यूज करें, तो आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ नया पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप वही ट्रेंड से कॉलेज एग्जाम में भी लिख रहे हो और वही ट्रेंड आप यूज कर रहे हो बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपका पैरेलल चलता जाएगा और आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ नया पढ़ने की जरूरत होगी नहीं। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप ये वीडियो को देखते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, और जिसने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आप आपके फ्रेंड्स को भी बताओ, बेनिफिट वो भी लेंगे तो उनके भी अच्छे मार्क्स आएंगे। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ हम आएंगे।